हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेल ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर है। अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख देंगे। मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और हम सबसे पहले गले में सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो चलिए पहले गले में सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारे गले में सिलाई लग गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम जो सिलाई लगाई है उसमें छोटे छोटे कट लगा के और इसको पलट देंगे। हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाना है ताकि हमारा जब हम पलटें इसको तो कोई सल नहीं आए और गला हमारा एकदम फिनिशिंग से बने। अच्छे से हम इसको पलट लेंगे। अब इसके ऊपर से हम एक चपटी सिलाई लगा देंगे। गले पर और उसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ एक टक्स लगाएंगे आगे के भाग में। यहाँ 5 इंच का एक टक्स लगाएंगे। इसको हम शोल्डर के बीच में लगाएंगे और इसकी चौड़ाई 1 इंच की रखेंगे। यहाँ 5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और 1 इंच चौड़ा निशान लगाकर अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं गले के ऊपर सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रखकर गले पर सिलाई लगाई थी, वैसे ही हम यहाँ भी लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे भाग में भी गले पर निशान हमने गले पर सिलाई लगा ली है। दूसरे पार्ट पर भी सिलाई लगानी है।
अब हम गले को कट कर लेंगे। उसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे, जहां हमने सिलाई लगाई है वहां छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे हम आसानी से इसको पलट सकें। अच्छी तरह से पलट लिया है, अब हमें इसे भी ऊपर से एक चपटी सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा गले में फिनिशिंग दिखे। इसके चारों तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे, हमारे दोनों पार्ट बनकर तैयार हैं। अब हम यहाँ पीछे हुक और हाई की पट्टी लगाएंगे। अब हम दोनों हब को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इन कंधियों को जोड़कर इसमें सिलाई लगा देंगे। और हुक और हाई की पट्टियाँ भी बना दी है। अब हम यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमें लेफ्ट हाथ के अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमने अस्तर और फैब्रिक को जोड़कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें ब्लाउज में अटैच कर देंगे। Thank you.
16 इंच की एक पट्टी ली है। आप अपने कमर के नाप के हिसाब से इस पट्टी की लंबाई रखें और यहाँ अस्तर लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। लेफ्ट साइड सिलाई लगाने के बाद हम राइट साइड में पहले बेल्ट अटैच करेंगे, उसके बाद फिटिंग की सिलाई देंगे। अब हम राइट साइड में बेल्ट को अटैच करेंगे और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बेल्ट को अटैच करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा ली है और बेल्ट भी इसमें अटैच कर लिया है। यहाँ सब बेल्ट के कॉर्नर पर हम यहाँ हुकाई लगाएंगे। पल्ला डालने के बाद ये बेल्ट ऊपर से लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।